अक्सर हम जहाँ रहते हैं वहाँ की दिशा के हिसाब से किसी गांव, जिला, राज्य अथवा देश को पुकारते हैं या इंगित करते हैं। जैसे अगर कोई जिला या राज्य हमारे पूर्व में है तो हम उसको पूर्वी जिला या पूर्वी राज्य कहते हैं। लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य है जो स्थित तो पूर्व में है लेकिन उसके नाम में पश्चिम लगाया जाता है। जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, फिर भी उसके नाम के आगे पश्चिम लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक विकासशील राज्य है। अंग्रेजों ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया था। हालांकि लोगों में बढ़ते आक्रोश के चलते 1911 में बंगाल को फिर से एक करना पड़ा था। साल 1947 में भारत के आजाद होने के साथ ही बंगाल पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में विभाजित हो गया। पहला था मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल जो 1971 में बांग्लादेश बना, और दूसरा हिस्सा था पश्चिम बंगाल जो भारत का एक राज्य है। यानी पहले पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश एक ही प्रांत थे। साल 1947 में आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश का उदय हुआ। साल 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बन गया। इसी का पश्चिमी हिस्सा आज पश्चिम बंगाल कहलाता है। अगर आसान भाषा में बोले तो एक समय पर आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही राज्य हुआ करते थे, जो विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बटे। उसके बाद पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी बंगाल भारत का एक राज्य बन गया। भारत के इतिहास में बंगाल का अपना अनोखा स्थान है। सिकंदर के आक्रमण के दौरान बंगाल में गंगारीदई नाम का साम्राज्य था। बंगाल में गुप्त और मौर्य सम्राटों का विशेष रूप से कब्जा रहा है। बंगाल में आधुनिक समय की शुरुआत मुगलों के बाद यूरोपीय और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आने के बाद हुई। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत और बंगाल में अपने पांव जमाए। अपने राजनीतिक फायदों के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, जिस वजह से लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश के चलते कांग्रेस के नेतृत्व में साल 1911 में बंगाल को एक बार फिर एक कर दिया गया। इसके बाद तो देश में स्वतंत्रता आंदोलन की आग और तेजी से भड़की, जिसका नतीजा 1947 में देश की आजादी और विभाजन के रूप में मिला। साल 1947 में आजादी मिलने के साथ ही देशी रियायतों के विलय का काम शुरू हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार पड़ोसी राज्यों के कुछ बंगला भाषी क्षेत्रों को भी पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया। ये तो रहे पूर्व में स्थित बंगाल के नाम के आगे पश्चिम लगाने की दिलचस्प कहानी।